जैसे 8 अक्टूबर को स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको आज हमने जारी किया है। यूं तो देश भर में पिछले 70 सालों में 13 बार कॉरपोरेशंस, कमेटीज, काउंसिल्स के या पंचायत के इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जो सरकारें पूरे प्रदेश भर में रही, उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अपनी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसी का परिणाम है कि आज चौथी बार सिर्फ हमारे प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लाल किले के 15 अगस्त को ये बोला था कि जम्मू कश्मीर में जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है उसको मजबूत किया जाएगा, और अपना वादा निभाया है। हालांकि कुछ प्रदेश की पार्टीज़ ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उनके भी खड़े हैं, जो ब्लैकमेलिंग वो करना चाहते थे उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, और लोग प्रसन्न हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है, और लोगों को आने वाले 10-15 दिन में ऐसा एक नुमाइंदा मिलेगा जो कि उनकी रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, सफाई या इस तरह की जो समस्याएं हैं, उनको इजीली उनका जो समस्याओं का हल होगा। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि केंद्र सरकार की बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसका लाभ दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था कि कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति उसके तक उसका लाभ पहुंचे, और आज ये जनधन योजना से शुरू होकर के बैंकों में खाते खुलवाना, गरीबों के लिए महिलाओं महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास योजनाएं, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें आम आदमी को लाभ पहुंचेगा, किसानों के लिए भी हैं। और हमारी ये कोशिश है कि आने वाला जो समय है, एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो भारतीय जनता पार्टी की कल्पना थी, गांधी जी की कल्पना थी, हमारे पुराने जो नेता उनकी कल्पना थी, उसको हम यहाँ पर सच कर रहे हैं। तो जो हमने डॉक्यूमेंट्स किया उसमें सभी जो मुद्दे लिखे हुए हैं